वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी यहां पर यूपीपीसीएल के लिए जो है यहां पर 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि आपको जो है 3 वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो ये 1000 क्वेश्चन का जो है चौथा पार्ट है। तो यहाँ पर जो है आपको हर वीडियो में 20 क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 में दो वर्कशीट को एक ही समय में खोलने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे। अगर यहाँ पर जो है एक्सेल में आप दो वर्कशीट को जो है एक साथ खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस टू का इस्तेमाल किया जाता है। वर्कशीटों को मिलाकर जो है क्या बनता है, स्प्रेड शीट बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क अगर आप जो है कई सारे वर्कशीट को मिलाते हैं तो वो क्या बनेगा, तो स्प्रेड शीट बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से फार्मूला का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको फार्मूला का एग्जाम्पल जो है कौन सा है। यहाँ पर हर फार्मूले से पहले जो है आपको इक्वल लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी एंड डी में जो है आप देख सकते हैं इक्वल का चिन्ह नहीं है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर ये दो विकल्प बचते हैं जिसमें कि ऐड जो है फार्मूला होता नहीं है, और यहाँ पर इक्वल ए वन टू ए टू। यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोष्टक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ये। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर जो है पहले फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जो है कोष्टक को लगाएंगे, उसके बाद जो है फार्मूला को लिखेंगे, इसके बाद जो है आप जो भी संख्याएं जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो फार्मूले के अनुसार जो है लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 में माइक्रो का ऑप्शन जो है किस मेन्यू में होता है। जो माइक्रो का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है, चाहे एमएस एक्सेल हो चाहे यहाँ पर जो है एमएस वर्ड हो। तो यहाँ पर किस मेन्यू में माइक्रो का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है विब मेन्यू में जो है माइक्रो का ऑप्शन दिया गया होता है, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 में सिर्फ डेट डालने के लिए जो है किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे एक होता है फार्मूला और एक होता है फंक्शन एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पर अगर सिर्फ आपको जो है डेट को वर्तमान डेट यानी कि जो डेट आज की डेट है उसको अगर आपने जो है आप जो है डायरेक्टली इंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर आप जो है नाउ फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डेट एंड जो है टाइम टाइम दोनों यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप नाउ फंक्शन का यूज करेंगे तो डेट एंड टाइम आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। अगर आप जो है डेट को सिर्फ इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टुडे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, एमएस एक्सेल में से रिमाइंडर को जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है आप किस फंक्शन का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में आप देखते होंगे फार्मूला, किस फार्मूला में रिमाइंडर का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, इसमें आप जो है मॉड फार्मूला के यूज करेंगे। जैसे ही आ गया क्वेश्चन इक्वल मॉड, इसके बाद यहाँ पर आ गया 97 कामा, यहाँ पर लिख दिया
इक्वल मॉड उसके बाद कोष्टक में यहाँ लिख दिया जैसे 16 कामा जो है 4। तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, इसको इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप जो है 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है आ जाएगा, 0 आपका जो है रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि आप जो है रिमाइंडर को जो है रिमाइंडर माने, यानी कि आप जो है यहाँ पर मॉड वाले फार्मूले में जो है आप केवल जो है शेषफल को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, MS Excel में पीओट चार्ट का ऑप्शन जो है आपको किस मेन्यू में मिलता है। यहाँ पर किसी चार्ट वगैरह को एंटर करने के लिए जो है आप इंसर्ट मेन्यू का जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा जो है इंसर्ट मेन्यू में आप जो है पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा चार्ट को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा जो है स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है, MS Excel में फार्मूला अगर आपका जो है फार्मूला एरर हो जाता है तो कौन सा यहाँ पर आपको साइन दिखाई देता है। तो प्रत्येक फार्मूले के लगाने से पहले जो है आप इक्वल का साइन लगाते हैं, अगर यहाँ पर आपका फार्मूला जो है गलत हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो है हैज का जो है सिंबल दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, मॉडम का जो है पूरा नाम क्या होता है। मॉडम जो कि आप जो है इंटरनेट को जो है कनेक्ट करते हैं मॉडम की सहायता से, तो उसके लिए जो है मॉडम का पूरा नाम होता है मॉडम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है। मॉडम एक सॉफ्टवेयर होता है, ये गलत है। मॉडम की मदद से आप जो है इंटरनेट नेट को जो है कनेक्ट करते हैं। मॉडम वोल्टेज का अस्थायीकरण करता है, तो ये भी गलत है और यहाँ पर ये भी गलत है। मॉडम जो है प्रचालक तंत्र होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। मॉडम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग सिग्नल में जो है परिवर्तित करता है, यानी कि बदलता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास जो है क्या होना ज़रूरी होता है। अगर आप जो है किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या ज़रूरी होता है। ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर ये राइट है। इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूरी है, मॉडेम व टेलीफोन भी ज़रूरी है, और यहाँ पर तीनों विकल्प जो है सही हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो है 12 यहाँ पर पूछा गया है, रिसाइकल बिन ऑप्शन जो है आपको कहाँ पाया जाता है। तो रिसाइकल बिन आप देखते होंगे डेस्कटॉप के ऊपर जो है सबसे पहले आपको एक डब्बा दिख जाएगा, जिसमें आप अगर कोई भी फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, तो कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपके रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आप जो है हार्ड डिस्क का कोई भी डाटा जो है डिलीट करते हैं तो यहाँ पर आपके रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो यहाँ ये रिसाइकल बिन जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये डेस्कटॉप पर पाया जाता है, यानी कि आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ये पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी फाइल को जो है रिसाइकल बिन में वह ना जाए और डायरेक्टली जो है
सिस्टम से हरदम के लिए गायब हो जाए, तो उसके लिए जो है आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का जो है यूज करेंगे। अगर आप जो है रिसाइकल बिन में जो है डेटा को नहीं जाना देना चाहते, तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस जो है डिलीट बटन का यूज करेंगे। अगर आपका जो है डाटा रिसाइकल बिन में रहता है, तो आप जो है दोबारा उसको रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उसको वापस ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, एमएस विंडो विंडोज किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर होता है? तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल TG2 के 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एमएस विंडोज जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो है ये सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है, विंडोज़ के किस वर्जन में जो है आपको स्टार्ट बटन नहीं होता है? यानी कि विंडोज़ के आप जो है कौन सा वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको जो है वहाँ पर सबसे नीचे जो है यहाँ पर स्टार्ट का मेन्यू रहता है, तो यहाँ पर किस वर्जन में नहीं होता है? विंडोज़ 8 के वर्जन में नहीं होता है। इसके लिए जो है इसके अलावा जो है विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें भी आपको स्टार्ट का ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। विंडोज़ 7 में आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, विंडोज़ विस्टा में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर विंडोज़ 10 दिया गया है, तो विंडोज़ 10 में भी स्टार्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया है, किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करने के लिए जो है किस ऑप्शन का जो है प्रयोग किया जाता है? उसके लिए जो है आप राइट क्लिक करेंगे, किसी भी फाइल के पर जो है राइट क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टीज का ऑप्शन जो है सबसे नीचे मिल जाएगा, तो उससे जो है आप किसी फाइल या फाइल की साइज को जो है आप पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, किसी फाइल को जो है रिसाइकल बिन में भेजे बिना जो है डायरेक्ट बिना डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पर जो है आप शिफ्ट के साथ जो है डिलीट बटन का यूज करेंगे, तो आपकी फाइल जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, बल्कि जो है डायरेक्टली अर्ध डिलीट हो जाएगी हमेशा के लिए, आप उसे जो है दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 पूछा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है डेवलप किया है और इसे बनाया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट बटन जो है किस बार में होता है? जो आपका स्टार्ट बटन होता है यहाँ पर सबसे नीचे होता है, ये किस बार में होता है? ये टास्क बार में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटल बार जो है अगर आप किसी प्रोग्राम को खोलते हैं, तो सबसे ऊपर होता है, ऊपर वाला बार जो है आपका टाइटल बार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाकर जो है सेव होती है? अगर आप जो है किसी भी फाइल को जो है सेव करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, अदरवाइज आप उसको जो है लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट के रूप में जो है आपके माई डॉक्यूमेंट जो है में सेव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, किसी फाइल को जो है रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आप किसी भी फाइल को रीनेम करते हैं, तो उसके लिए जो है आप राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है आपको रीनेम का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा। इसके अलावा जो है उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है F2 बटन को जो है आप प्रेस करेंगे, तो आपको जो है रीनेम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यानी कि सी लैंग्वेज में आपका जो है कौन सा प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिखा गया था? यह ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सी लैंग्वेज में लिखा गया था।
यहाँ पर ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहाँ पर पूछा जाए इनमें से जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कोबोल जो है ये एक लैंग्वेज है, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड ये था आज का जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको जो है 20 क्वेश्चन बताए गए, जो कि ये 1000 क्वेश्चन का जो है चौथा वीडियो था। और अगर आपने जो है पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा, इसके अलावा जो है 19 पार्ट जो है UPSL के ऑफिशियल क्वेश्चन भी अपलोड किए गए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसकी PDF भी चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर जो है आप एग्ज़ाम तक सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है हमारा चैनल एग्ज़ाम तक आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप जाकर इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, और इन सभी जो है क्वेश्चनों की PDF जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।